स्टूडेंट्स, आई एम वर्षा गुप्ता। हम पढ़ रहे हैं सांख्यिकी का चैप्टर नंबर 1। सांख्यिकी के इस चैप्टर के अंदर ये बताया गया है कि सांख्यिकी का प्रयोग अर्थशास्त्र में क्यों किया जाता है, और उससे पहले हम ये देखेंगे कि अर्थशास्त्र क्या है और इसका अध्ययन हम क्यों करते हैं, है ना। तो थोड़ा सा हम इस चैप्टर की फर्स्ट चैप्टर की रीडिंग लगाएंगे, उसके बाद फिर थोड़ा प्रैक्टिकल वर्क आएगा। ओके, तो विद्यालय की पूर्ववर्ती कक्षाओं में संभवतः अर्थशास्त्र आपका एक विषय रहा होगा। आपको यह बताया गया होगा कि विषय पुस्तक अल्फ्रेड मार्शल अर्थशास्त्र के एक प्रवर्तक के द्वारा कहे गए वाक्यांश जीवन के समान कारोबार के संदर्भ में मनुष्य के अध्ययन के से संबंधित है, है ना। जीवन के सामान्य कारोबार के संबंध में मनुष्य के अध्ययन से संबंधित है। ये प्रोफेसर मार्शल ने बताया है कि अर्थशास्त्र के अंदर मनुष्य के एक सामान्य व्यवहार का अध्ययन हम करते हैं, ठीक है ना। मनुष्य जो भी काम करता है, चाहे वो समाज के लिए करे चाहे व्यक्तिगत स्तर पर करे, वो सारे काम इसके अंदर उसका अध्ययन इसमें किया जाता है। अब इसमें आता है कि समंकों के कुछ खास चीज़ें हैं। समंकों इसमें आए हम समझते हैं कि समंकों से इनका क्या तात्पर्य है। जब आप वस्तुएं खरीदते हैं, जैसे चाहे अपने परिवार के लिए खरीदें या व्यक्तिगत तौर पर खरीदें, तो उन ताकि आप अपनी व्यक्तिगत अपने परिवार की अथवा अन्य व्यक्तियों की आवश्यकताओं को संतुष्ट कर सकें जिन्हें आप उपहार देना चाहते हैं, तब आप उपभोक्ता कहलाते हैं, ना। जब हम अपनी आवश्यकताओं को संतुष्ट करने के लिए वस्तुओं को खरीदते हैं तो हम एक उपभोक्ता हैं। जब हम वस्तुओं को स्वयं के लाभ के लिए बेचते हैं तो हम क्या हो गए, एक विक्रेता होते हैं, क्योंकि बेचने वाला विक्रेता कहलाता है। जब आप वस्तुओं का उत्पादन करते हैं या सेवाएं प्रदान करते हैं, जैसे डॉक्टर है, कुली है, टैक्स चालक है, तो हम क्या होते हैं, एक उत्पादक कहलाते हैं, ठीक है। जब आप कोई नौकरी करते हैं अथवा अर्थात दूसरों के लिए कार्य करते हैं जिसके लिए आपको पारिश्रमिक दिया जाता है, तो हम क्या हैं, एक कर्मचारी कहलाते हैं। जब आप भुगतान लेकर अन्य व्यक्तियों को सेवा प्रदान करते हैं, जैसे हम सर्विसेज दे रहे हैं, बल्कि हम कोई चीज़ नहीं दे रहे, वस्तु नहीं दे रहे हैं, लेकिन सर्विसेज दे रहे हैं, केवल सेवाएँ दे रहे हैं, तो हम क्या कहलाते हैं, एक नियोक्ता कहलाते हैं, है ना। तो इन सभी परिस्थितियों में आप किसी आर्थिक क्रिया में लाभकारी रूप से नियोजित कहे जाएंगे। आर्थिक क्रियाएं वे होती हैं जो धन प्राप्त करने के लिए की जाती हैं। धन प्राप्त करने के लिए जो भी क्रियाएं की जाती हैं उनको हम क्या बोलते हैं, आर्थिक क्रियाएं। जैसे आपको बताया भी था कि व्यक्ति अगर अपने किसी काम को कर रहा है और उसके बदले में उसे पैसा मिल रहा है तो वो क्या कहलाएगी, आर्थिक क्रिया कहलाएगी। अगर उसी कार्य के बदले में उसे कोई पैसा नहीं मिल रहा है तो उसे हम अनार्थिक क्रिया कहेंगे। जीवन के आम कारोबार से अर्थशास्त्रियों का यही तात्पर्य है। बिना दिए कुछ भी नहीं मिलता। यदि आपने कभी अलादीन और उसके जादुई चिराग के बारे में सुना हो तो आप इससे सहम, ये कोई ज़्यादा इम्पॉर्टेंट नहीं है। इसमें सिर्फ यही बताया गया है कि जैसे हमारे पास कोई जादुई शक्ति नहीं है जिससे हम सब कुछ प्राप्त करते हैं, हमें क्या करना पड़ता है कि जैसे अलादीन का चिराग तो हमारे पास है नहीं जो कि हम उसको घुमाएं, उस पर हाथ फेरें और हमें सब कुछ मिल जाए। हमें पैसे दे करके हम अपनी इच्छाओं को पूरा कर सकते हैं। तो हमारे जेब में जितना पैसा होगा हम उसी के अनुसार हम अपनी वस्तुओं और सेवाओं को का चयन करते हैं, है ना। ऐसे नहीं कि हमारी इच्छा हुई हम हर चीज़ को खरीद लेंगे। तो यहाँ तक वही समझाया गया है। तो इसके आगे हम आगे पढ़ते हैं। अभाव सभी आर्थिक समस्याओं की जड़ है। मतलब हमारे सामने समस्या क्यों पैदा होती है, या तो हमारे पास पैसा नहीं है या कोई वस्तु नहीं है, है ना। यदि अभाव न होता तो आर्थिक समस्या ही न होती, तब आपको अर्थशास्त्र पढ़ने की आवश्यकता भी नहीं पड़ती। हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न प्रकार के अभावों का सामना करते हैं। रेलवे आरक्षण, खिड़कियों पर लगी लंबी कतारें, भीड़ भरी बसें एवं रेलगाड़ियाँ, अत्यावश्यक वस्तुओं की कमी, किसी नई फिल्म को देखने के लिए टिकट की भारी भीड़ आदि सभी बातें अभाव को व्यक्त करती हैं। हम अभाव का सामना इसलिए करते हैं क्योंकि जो वस्तुएं हमारी आवश्यकता की पूर्ति करती हैं उनकी उपलब्धता सीमित होती है। क्या आप अभाव के कुछ अन्य उदाहरणों की कल्पना कर सकते हैं? उत्पादकों के पास जो संसाधन होते हैं वे भी सीमित होते हैं, है ना।
जैसे भारत है, भारत जो उत्पादन कर रहा है तो भारत के पास पैसा भी सीमित है और मैन पावर भी सीमित है, श्रमिक भी सीमित है, हम ये नहीं कह सकते अनलिमिटेड है, लेकिन इन सभी साधनों से हम कितना उत्पादन कर सकते हैं, एक निश्चित मात्रा में ही उत्पादन कर सकते हैं। तो साधन सीमित होते हैं और उनके वैकल्पिक उपयोग भी होते हैं। आप भोजन का ही उदाहरण लें, जैसे आप प्रतिदिन खाते हैं यह आपके पोषक तत्वों की जरूरतों को पूरा करता है। खेती में के काम में लगे हुए किसान फसलें उगाते हैं और उनको उनसे आपका भोजन उत्पादित होता है। समय विशेष पर कृषि संसाधनों जैसे खेत की भूमि, श्रम, पानी, उर्वरक आदि की उपलब्धता निश्चित होती है। इन सभी साधनों के वैकल्पिक प्रयोग भी होते हैं। इन्हीं संसाधनों का प्रयोग खाद्यतर फसलें जैसे रबर, कपास, जूट आदि के उत्पादन में भी किया जाता है। इस प्रकार संसाधनों का वैकल्पिक प्रयोग उन वस्तुओं के बीच चयन की समस्या को जन्म देता है जिनके द्वारा ये उत्पादित किए जाते हैं। ठीक है स्टूडेंट्स, आज के इस वीडियो में इतना ही। कल हम और आगे नेक्स्ट टॉपिक उपभोग, उत्पादन और वितरण पर डिस्कस करेंगे। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।